जालन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दो मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद चोरों में हड़कंप मचना तय है। क्राइम फ्री जालौन की ओर एक और सराहनीय कदम बढ़ाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी उरई के नेतृत्व में आज उरई कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दो मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए चोर अंतरजनपदीय गिरोह के सदस्य हैं और इनके खिलाफ जनपद जालौन तथा अन्य जिलों में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस की इस सख्त कार्रवाई के बाद चोरों में हड़कंप मचना तय है। गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। देखिए, थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा दो बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से कुल 10 बाइकें बरामद हुई हैं। इन दोनों बाइक चोरों का नाम देवेंद्र सनफ भगवान दास है और बबलू सनफ राम सिंह है। और ये दोनों जो एक जिसमें एक जालौन का रहने वाला है और एक हमीरपुर जनपद का रहने वाला है, यह एक अंतर जनपदीय गैंग है जो कि अलग अलग जगहों से और अलग अलग जनपदों से मोटरसाइकिलें चोरी करता है और इधर उधर इन लोगों को जो है देहात क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में मोटरसाइकिलों को बेच के अवैध रूप से धनार्जन करते हैं। किस तरीके से घटना को अंजाम देते? ये इनके पास कुछ कुछ मास्टर कीज भी हैं और ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी मिला है और इस तरह से ये काफ़ी सक्रिय वाहन चोरों का गैंग है, गिरोह है। उसमें से दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास भी मिले हैं जनपद जालौन में, जनपद हमीरपुर में भी और आसपास में भी, कानपुर देहात में भी इन लोगों ने घटनाएं की हैं। तो इस तरह से इनकी अब गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। और जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।